बांग्लादेश की राजधानी ढाका और ढाका में गुलशन नाम के एक नामचीन इलाके के बीच में हम लोग अभी फिलहाल खड़े हैं और यहाँ का जो मंजर है वो तो आप देख ही रहे हैं। एक सामान्य तरीके से ट्रैफिक घूमता फिरता नज़र आ रहा है, लेकिन जो असामान्य बात है वो ये है कि यहाँ पर कोई पुलिस है ही नहीं। ये सारे छात्र हैं, एनजीओ के वर्कर्स हैं, वहाँ पर जो लाल कमीज़ में खड़े हैं वे यहाँ के फूड डिलीवरी ऐप के लोग हैं, सफ़ेद यूनिफॉर्म में नौसेना के लोग हैं, अर्धसैनिक बल के लोग हैं, ये सभी लोग मिलाकर फ़िलहाल यहाँ ये इंश्योर कर रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो नॉर्मलाइज हो यहाँ पर, और ज़्यादातर नज़र आ रहा है कि ट्रैफिक नॉर्मलाइज है। ये इलाका जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ऐसा बताया जाता है कि आम तौर पे इस समय हफ्ते के इस दिन पे यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती, लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो आपकी आंखों के सामने है। यू बेसिकली स्पॉटेड द मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, एंड देन यू अलर्टेड द आर्मी एंड देन यू वाज अरेस्टेड। या सो सम वुड से दैट यू नो दैट इज द रोल ऑफ द पुलिस एंड दैट इज द रोल ऑफ यू नो समबडी लाइक पुलिस एजेंसीज, व्हाई आर यू डूइंग दैट? We are not all over the police job. We just volunteering and help our general people and all over the people. We just help them. So tell me, what is this whole traffic thing that you're doing, and how do you manage it? Because clearly you are not traffic policemen, but you are managing the whole traffic. Tell us about the experience. How are you doing? Our answer team brief us, and then we worked like that brief. Okay. And do you see people coming to you, and like how is your experience to deal with it? It's experience. Do they protest? Do they question? It's experience very good. They salute us. They salute every students. They salute our general peoples, and they are motivated us. I also saw some people were arguing with you. They were going in some other direction. I think you stopped them also. Yeah, if they break our rules, our country's rules, traffic rules, we stop them and take them. How do you feel about doing all this? It's experience so good. Yeah. And today a new government has been set up. You know, portfolio allocation has happened. Two student leaders are also now advisors. How do you feel about your country? How do you feel about the direction that Bangladesh is going in now? Now I'm feeling very safe, and everyone alert for all over the uncertain issues, and everyone alert, every student alert, and they handle it for their own way, and if they are right, they will go, and if they are wrong, we hand over it our army or ANSAR or BGB. दुकानें खुली हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, लेकिन कस्टमर्स इतने ज़्यादा अंदर अभी नहीं आ रहे हैं। शायद लोगों के मन में डर है, शायद लोगों के पास जानकारी नहीं है कि चीज़ें खुली हैं, जो भी है, लेकिन ज़्यादातर दुकानें खाली नज़र आती हैं और लोग, उनके जो मालिक हैं, वो बाहर बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन जो असामान्य हो मैंने आपको बताया। एक और बात आपको बता दूं, ढाका में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरिम सरकार है उन्होंने अपने कैबिनेट पोर्टफोलियो एलोकेशंस हो गए हैं, अलग अलग मंत्रालय का वितरण हो गया है लोगों के बीच। दो स्टूडेंट लीडर्स कम से कम ऐसे हैं जो अब एडवाइज़र्स हैं सरकार के, और वो जो कल तक छात्र के संगठन को लीड कर रहे थे वो अब आगे चलकर बांग्लादेश के भविष्य की रणनीति तय करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ डेवलपमेंट है। सब कुछ नज़र आता है सामान्य, लोगों से भी मिले हम, कई परिवार यहाँ पर साइकिल रिक्शा में आज घूम रहे हैं। एक छुट्टी किस्म का माहौल लोगों के मन में है ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, और पॉजिटिविटी भी दिखी। कई लोग मुस्कुरा रहे थे जब हमसे बात कर रहे थे, और लोग चाहते हैं कि ये एक अच्छी नई शुरुआत हो, लेकिन सभी कोई एकदम खुश है ऐसा कहा नहीं जा सकता। एयरपोर्ट पर ढाका में जब हम उतरे तो हमने वहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, उनमें से किसी ने भी यूनिफॉर्म नहीं पहना था। वो सारे ही बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में थे, और उन्होंने हमें बताया भी कि क्योंकि वे पुलिस में थे और यहाँ की जनता में पुलिस को लेकर बताया जाता है बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में घटनाएँ घटी, जो मौतें हुई,
उसके लिए, उन मौतों के लिए यहाँ के लोग ज़्यादातर पुलिस कर्मियों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, और आज भी यही कारण है, एयरपोर्ट के जो इमिग्रेशन अधिकारी और पुलिस अधिकारी बता रहे थे, यही कारण है कि वे यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हैं। उनके परिवार भी एक तरह से तनाव में हैं और हमसे कह रहे थे कि आप दुआ कीजिए कि हम और हमारा परिवार इस पूरे मसले से सलामत होकर निकल पाए। तो ये माहौल है। माइनॉरिटीज़ को लेकर भी काफ़ी बातचीत हो रही है। सरकार ने यहाँ की आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे अर्धसैनिक बल के लोग, मिलिट्री के लोग, सभी लोग यहाँ पर बाहर है, लेकिन पुलिस जो एक बहुत ही बड़ा ज़रूरी तबका है वो गायब है। कहा जा रहा है धीरे धीरे वापस आएंगे, लेकिन अगर ढाका जैसे शहर में ही ये नज़र नहीं आते तो अंदरूनी इलाकों में क्या हालात हैं ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो किस तरह से किस भय में जी रहे हैं, इसका भी जवाब आप समझते हैं। हम अगले कुछ दिनों में कोशिश करेंगे इस सवाल की भी जवाब आपके सामने ला पाएँ उसकी, लेकिन फ़िलहाल ढाका में जो माहौल है वो आपकी आंखों के सामने है। ढाका से देबलिन रॉय के साथ जुगल पुरोहित, बीबीसी हिंदी के लिए।